अच्छा, ये मेन गेट है और ये मेन गेट है इस गांव का। आज गांव का ये सर ने ये इनके छोटे छोटे रस्मात के डांस सीखने से और ये फेस्ट पे बैठने को लगे। स्लाइडिंग की वजह से ये खराब हो गए तो आगे कर दिए। अच्छा, इस एरिया में औरत को आने नहीं देते। अच्छा, ये पाक एरिया है। अच्छा अच्छा, अब करें क्या? तो ये हमारे साथ अशरफ भाई और ये हमारे साथ टूर गाइड है, ये हमको गाइड करेगा। हम ये गांव में आ गए। यहाँ पे ये देखें, 2015 से पहले यहाँ पे ये सारे जगहों में, छतों में, ये गलियों में सारे लोग नजर आते थे। अच्छा, नहीं आ रहे क्योंकि 2015 के बाद खान साहब ने इनको इनका हक दिया है। अच्छा, इस वजह से ये लोग अब ज्यादातर स्टडी में मशहूर है। अच्छा, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जितना हो सके, क्योंकि कोटे में इनको इजीली जॉब मिलती है, जॉब होल्डर भी ज्यादा है। अच्छा, तो दिन को इस तरह भी होते, कुछ बच्चे होते हैं वो अपने रिवर साइड पे जमीनात की तरफ जाते हैं, वहाँ पे सारा टाइम होता है एक्सपेंड करके असर के बाद आते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये इनकी वैली है। अच्छा, इनका भी हम जाएंगे इनकी कुर्बानी के जगह। अच्छा, इनका वेदी है और अभी हम जा रहे हैं साल में एक दफा कुर्बानी का। अच्छा, अभी हम जाएंगे इसके कुर्बानी की तरफ से। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, पैगंबर को नौजुबिल्ला मतलब अलग सोचते हैं वो अपने। अच्छा, और पे इस तरह ये शहद बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये मछली शहद बना रहा है। कुरान को मानते हैं और ये शाद के लिए जगह है। ये घरों में इनके लिए बनाया। अच्छा, ये कश्मीर का पानी यहाँ पे स्टोर करके यहाँ से फिर वैलीज में पाइपलाइन के थ्रू जाता है। अच्छा, ये चश्मे का पानी यहाँ पे स्टोर है। अच्छा, ताकि उससे बुलाए इसको। यहाँ से आगे ये जो है ना, ये इनके बगरे के बगरों के जो हाउस थे। अच्छा, हजारों साल पहले ये बगरे इसलिए ज़्यादा पालते थे कि यहाँ पे जिस घर में फौदगी होता है वही बंदा अपने तीन वैली से कैलाश के। अच्छा, दूर गिरी और बमरेत, फिर इनको इनवाइट करते अपने रिश्तेदारों को, वो सारे आ जाते, फिर उनके लिए बगरा ज़बह करता है 25-30 तक। अच्छा, तो ये बगरा पालना बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। आजकल तो वो बगरे का सिस्टम इस तरह किए हुए कि वो 7 दिन जो इबादत गाह में रखते थे मुर्दे को, उसको 1 दिन रखते हैं, और इसके अलावा वो बगरे डिवाइड किए हुए सारे आवाम, ये वैली में जितने भी लोग हैं वो इसमें तकसीम किए हुए, कोई बगरा लेके आएगा, कोई घी, कोई आटा, कोई इस तरह। अच्छा, अभी ये सिस्टम क्या है? और ये लेके आएगा यहाँ से नीचे, ये टोटली कैलाश आबादी है, ये देखिए। अच्छा, ये सारा कैलाश। और रिवर साइड पर ज़रा नज़र डालें, रिवर साइड पे जितने भी आबादियाँ हैं वो मुसलमानों के हैं। यहाँ से जब कन्वर्ट होते हैं तो वो उस एरिया पे जाते हैं, वो इस एरिया पे जाते हैं। जब यहाँ से रिवर साइड के उस दाईं तरफ जो है, अच्छा, उसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मिक्स है। अच्छा, उसमें मिक्स है, इधर मिक्स है, इस इधर मिक्स नहीं है। यानी जहाँ से जो कैलाश मुसलमान होता है तो वो उधर जाता है, नीचे जाता है। हाँ, नीचे अलग घर बनाता है, फिर अलग जो सिस्टम वो उधर जाता है। बाकी यहाँ पे कैलाशी लड़की लोग नहीं करते ना, जो मुसलमान होते हैं वो इधर के लोग नहीं। नहीं, इनका तो फिर कल्चर ये डिफरेंट होता है। हाँ ना, फिर तो डिफरेंट होता है, रहते हैं तो कैलाश का अपना तरीका है। जैसे मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ अब कुर्बानी की जगह, यहाँ पे हमारे मुसलमान में तो इस तरह नहीं है कि कुर्बानी की जगह अलग से बनाओ। हाँ हाँ, और बगरे गाय को ज़बह करो, फिर उसके बाद उस एरिया में औरत को आने नहीं देना है। अच्छा, ये औरत नहीं आ सकती इस एरिया में। अच्छा, ये कुर्बानी की जगह है। ये कुर्बानी की जगह है। अच्छा, और यहाँ पे स्टैचू थे वो भी हमने सुना है कि इंग्लैंड के म्यूजियम में है। अच्छा, यहाँ से लेके गए हैं। तो यहाँ पे कुर्बानी इस तरह होता है, बगरा या गाय जो भी हो लेके आते हैं, और शाम टाइम पे लेके आते हैं, ऐसे टाइम पे यहाँ पे लाके उसको ज़बह करने से पहले दूध भी अपने साथ लेके आते हैं।
वो यहाँ पे उसको ज़बह करने के बाद फिर दूध और खून को मिला के यहाँ पे छिड़कते हैं। ये सुराख नहीं है, हाँ हाँ, इसमें छेड़ते हैं इस तरह। अच्छा, फिर अपनी तरफ से दुआ करते हैं अल्लाह, जो जिस तरह मानते हैं अल्लाह को उसी हिसाब से फिर ये दुआ करते हैं। अच्छा, और फिर यहाँ पे जो वो होता है बकरा ज़बह जो किया, वो गोश्त वो यहाँ पे भी खाते हैं पका के, और नीचे गांव में भी उसको तकसीम करते हैं। अच्छा, नीचे गांव में भी उसको तकसीम करते हैं, लेकिन औरत को इस एरिया में आने नहीं, औरत नहीं आ सकती। ये इनके मुकद्दस एरिया है, एरिया जितने मुकद्दस एरिया से उसमें औरत नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तो इसमें ये स्टैचू जो थे वो भी नहीं है अभी। अच्छा, तो ये छोटे छोटे भी थे। अच्छा, स्टैचू ये छोटे थे। अब हम नेक्स्ट जाएंगे इबादत गाह की। अच्छा, इनकी इबादत गाह जहाँ पे ये इबादत किस तरह करते हैं। तो यहाँ जब इस गांव में कोई फौजी होता है तो उस बंदे को यहाँ पे लाते हैं। अच्छा, नीचे मैंने आपको दिखाया वो ढोल, हाँ, फिर बंदे को चरपाई पे लिटा के हज़ारों साल पहले तो 7 दिन वो ढोल बजा के अपने वहाँ पे नाचते थे। अच्छा, इस तरह रिहर्सल करते थे। अभी तो ये एक ही दिन करते हैं। और दूसरा खर्चे का मैंने ऊपर आपको बताया कि पहले हज़ारों साल पहले एक ही बंदा उस जिस घर में फौजी होता वही बंदा 25-30 बकरे ज़बह करके इन सारे लोगों को, ये खर्चा काफ़ी मुश्किल होता था, एफर्ड नहीं कर सकते तो कन्वर्ट भी होने लगे काफ़ी। अब ये इनको मतलब इस तरह किए थे कि ये वो खर्चे डिवाइड किए आपस में। अच्छा, डिवाइड करके 7 दिन यहाँ जो रखते थे लाश को उसको अब एक ही दिन रखते, एक ही दिन रखते। फिर यहाँ से ले जाके उसको 2 साल पहले कब्रिस्तान में ताबूत में रखते हुए ऊपर छोड़ते थे ज़मीन के, अब वो वाला सिस्टम नहीं, अब ज़मीन के नीचे दफन करके उसके ऊपर जो जिस चरपाई पे लेके जाते हैं वो चरपाई उसके ऊपर ही छोड़ते हैं। अच्छा, और साथ में अमीरजादे लोग जो है ना स्टैचू भी लगाते हैं नीचे। अच्छा, आपको मैं दिखाऊंगा वो भी। अच्छा अच्छा, ये इनका इबादत गाह। लाश का पूरा नज़ारे इसका विजिट हम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अच्छा, तो और ये मामू जो है यहाँ पे जितने भी पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे यहाँ पे, ये यहाँ का हकीम है। अच्छा, ये और ये जितने भी ये ज़ख्म होते थे, बाजू टूटते भी थे, टांगों में कोई दर्द होते थे या टूटते थे, तो उसका सारा इलाज ये बाबा करते थे। अच्छा, बाबा का। तो उस टाइम पे यहाँ पे कोई डॉक्टर का ये, अब भी जब भी इतने डिफिकल्ट जो है बीमार होते इस तरह के, टांग टूटता है यहाँ, तो देसी इलाज यही बाबा डॉक्टर इसको ले जाके वो करवाते इसके। अच्छा, और ये घर है। अच्छा, ये वो पुराना घर है, बाकी तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अच्छा, ये वही पुराना घर है, बाकी तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। और इसका ये एरिया ना, अच्छा, ये पाक एरिया होता है, और अच्छा, यहाँ पे भी साल में एक दफ़ा कुर्बानी करते हैं, और इस एरिया में औरत को नहीं जाने देते, यहाँ सिर्फ मर्द बैठ सकते यही एरिया में। बाकी जब मर्द का कोई मतलब औरत का कोई शोहर फौत होता है। अच्छा, इस घर में तो वही औरत ड्रेस उल्टा करके पहन के यहाँ पे वो सोग मनाते हैं, तकरीबन 6 दिन 10 दिन या 12 दिन जितना भी हो यहाँ पे वो सोग मनाते हैं। अच्छा, हाँ, साइड पे यहाँ से अंदर नहीं आ सकते, और उसके लिए खाना उसका पीने का उसका सारा सिस्टम यहाँ से उस एरिया में होता है, और अंदर नहीं होता, अंदर नहीं आते। और ये वो पुराना घर जैसे म्यूजियम में आपको दिखाई थे। अच्छा, ये इन लोगों का पुराना घर है।
से हम जाएंगे अभी तो घर जा रहे हैं, वहाँ से आके फिर वो भी नहीं वो मेला का यही जगह है। हाँ ये छोटे छोटे रस्मा छोटे छोटे शादी हाल में जाते हैं तो उस टाइम पे इसी हिसाब से हमारा कोई अंग डॉक्टर उधर मतदान न था ना, इसके लिए हमको एक कुटी लाया, बहुत खुश हुआ। अच्छा इधर पाल लगाया, इसको पहनाता है ये धन को। ये छतारी टोपी है ना, फुल नहीं लगाया अभी, कभी फुल लगा।